हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राइट इन्फॉर्मर चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके फ़ोन का या आपका लोकेशन कोई ट्रैक कर रहा है तो आप किस तरह से पता करेंगे कि आपका लोकेशन कोई ट्रैक कर रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये लोकेशन ट्रैक जो कोई भी कर सकता है, वो तीन तरीके से लोकेशन को आपका ट्रैक कर सकता है। एक तो पहला वो तरीका होगा जो कि उसके पास अगर आपका जीमेल आईडी और पासवर्ड उसको मालूम होगा तो भी आपका लोकेशन को ट्रैक कर सकता है, वो बहुत ही आसानी से। अगर आपके फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर इनेबल है तो वो आपका लोकेशन को बहुत आसानी से ट्रैक कर सकता है। और दूसरा, अगर वो कोई आपके फ़ोन के ऊपर स्पाई ऐप को इंस्टॉल कर दिया है तो भी आपका लोकेशन बहुत ही आसानी से ट्रैक कर सकता है। और तीसरा, अगर कोई आपका फैमिली का आदमी है या आपका दोस्त है तो वो भी आपके लोकेशन को ट्रैक कर सकता है, तो वो कैसे करेगा? तो ये तीनों जानकारी, तीनों तरीका इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। और तीनों तरीके को आप किस तरह से चेक करेंगे कि वो आपके फ़ोन का लोकेशन को ट्रैक कर रहा है तो कैसे कर रहा है, और उससे कैसे आपको बचना है, तो इस वीडियो के अंदर ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन इस वीडियो को जानकारी बताने से पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स करने वाला हूँ, इसलिए कि ये जो वीडियो इसके पहले मैंने बनाया था आपके सामने, जो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, इसका थंबनेल था कि अगर मोबाइल बंद हो तो क्या लोकेशन पता कर सकते हैं। तो इस वीडियो के ऊपर आप लोगों ने बहुत बहुत हमें प्यार दिया है और इसका व्यू जो है अभी तक 4 लाख के करीब हो चुका है और इस पे 6,000 के करीब यहाँ पे लाइक्स भी मिल चुका है। तो आप लोगों का इस तरह का प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो नए हैं, अगर इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो जाकर ज़रूर इस वीडियो को देख। तो दोस्तों, आपको पता है कि ये तो बहुत ही पहला जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। अगर आपने एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर के अंदर इस आपके फ़ोन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद से अगर आप यहाँ नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपका लोकेशन का जो ऑप्शन होता है, ये आपका अगर लोकेशन ऑन है आपके फ़ोन का और अगर दूसरे जिस जो भी लोकेशन को ट्रैक करना चाहता है आपके लोकेशन का, अगर उसके पास आपका जीमेल आईडी, जिस जीमेल आईडी से ये आपका फ़ोन लॉगिंग होगा, जो जीमेल आईडी पे ये फ़ोन कनेक्ट होगा, अगर उस जीमेल आईडी का पासवर्ड और उस आपका जीमेल आईडी दोनों मिल जाता है तो वो बड़े ही आसानी से गूगल में जाके और फाइंड माई लोकेशन करके और बहुत आसानी से आपका लोकेशन देख सकता है आपके आईडी को लॉगिन करके कि आपका मोबाइल का करंट लोकेशन कहाँ है। तो ये तो पहला स्टेप है, इसलिए आप जो है अपना जीमेल आईडी का पासवर्ड और आप अपना जीमेल आईडी जो भी अपने फ़ोन से कनेक्ट किए हैं उसको सिक्योर करके रखिए दोस्तों, इसलिए कि फ़ोन बहुत ही आपका आज के डेट में फ़ोन को अपना सिक्योर करके रखना बहुत ही सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो इस तरह से आपको इस सिक्योरिटी को पूरा लगा करके रखना है। अब दूसरा, जो ऐप वाले जो मैंने बताया कि जो स्पाई ऐप के थ्रू होता है दोस्तों, वो तो बहुत ही उसको पता करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कि स्पाई ऐप ऐसा ऐप होता है जो कि आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो जाता है और वो हाइड भी हो जाता है, इसलिए उसको पता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो बैकग्राउंड में चलता है तो उसको पता करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन उसको भी कैसे पता करना है उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने फ़ोन के सेटिंग के अंदर जाना है और सेटिंग में जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको अपने फ़ोन का जो बैटरी यूजेज होता है, बैटरी के सेक्शन में चले जाना है। यहाँ पे बैटरी सेक्शन में सबसे पहले आप अपने फ़ोन के जाएंगे, मैं यहाँ पे चल के दिखाता हूँ। यहाँ बैटरी में जाएंगे दोस्तों और बैटरी में आपको जाना है कि पावर कंजम्पशन रैंकिंग, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कौन सा पावर इसमें सबसे ज़्यादा खा रहा है, तो यहाँ पे जाना है। अब देखिए, मेरे फ़ोन के अंदर जैसे कि दिखा रहा है कि वाईफाई सर्विस आपका 58% खा रहा है, एंड्रॉयड सिस्टम जो है 16% खा रहा है, YouTube इतने परसेंट खा रहा है, इस तरह से आपके फ़ोन के अंदर भी दिखाएगा फ़ोन सर्विस। इस तरह से जितने भी ऐप होंगे आपके फ़ोन के अंदर
वो सारे ऐप का यहाँ पे परसेंटेज दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एक चीज अगर यहाँ पे आ गया ADM, अगर टॉप फोर के अंदर चार, ये जो ऊपर से चार अगर ये ऐप है, चार ऐप में अगर ADM मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, ADM का मतलब हुआ एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर, अगर इस चारों में से एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर अगर टॉप पे आ रहा है, इन चारों में से कहीं पे भी वो आ रहा है, ADM एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर अगर दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा बैटरी खा रहा है, तो आप सतर्क हो जाइए कि आपके फ़ोन के ऊपर कोई स्पाई ऐप इंस्टॉल्ड हो चुका है और आपको कोई ट्रैक कर रहा है। तो ये पहला ध्यान देना है आपको। उसके बाद से दूसरी चीज़ देखना है कि अगर आपका वाईफाई जो यहाँ पे इतना परसेंटेज कंजम्पशन कर रहा है, वाईफाई और लोकेशन ये दोनों बहुत ज़्यादा खा रहे हैं बैटरी को, तो भी आपको 100% श्योर हो जाना है कि आपके फ़ोन के ऊपर जो है कोई स्पाई ऐप ज़रूर इंस्टॉल हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए अगर नॉर्मल टाइम में आप अगर बहुत ज़्यादा वाईफाई को यूज करेंगे तो आपका जाहिर सी बात है कि यहाँ पे डाटा बहुत ज़्यादा खर्च होगा, तो ये कंजम्पशन ज़्यादा दिखाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा डेटा यूज नहीं कर रहे हैं और उसके बावजूद भी आपका वाईफाई सर्विस और लोकेशन का आपका बहुत ज़्यादा कंजम्पशन दिखा रहा है बैटरी का, तो 100% श्योर हो जाइए कि आपके फ़ोन के बैकग्राउंड में स्पाई ऐप चल रहा है। और वो सारा स्पाई ऐप ऐसा होता है कि आपके पूरे फ़ोन के इंफॉर्मेशन को वो एक्सेस कर लेता है, आपका लोकेशन, आपका कॉल, आपके SMS, आपका कॉन्टैक्ट्स, ये सारी चीज़ों को वो एक्सेस कर लेता है और वो बैकग्राउंड में रन करता है, इसलिए आपको दिखाई भी नहीं देगा। तो अब आपको करना क्या है कि अगर इस तरह का हो तो अब आपको अलर्ट हो जाना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको जो करना है वो ये करना है कि आप तुरंत अपने वाईफाई और जो भी आपका लोकेशन है उस लोकेशन को ऑफ़ कर दीजिए। ऑफ़ करके आप दोनों को छोड़ दीजिए, कम से कम 6 घंटे तक, उसको 8 घंटे तक छोड़ दीजिए। और छोड़ने के बाद अगर दोस्तों वो ऑटोमेटिक टर्न ऑन हो जाता है, 6 घंटे के बाद अगर वो टर्न ऑन हो जाता है, तो समझ लीजिए कि 101% आप श्योर हो जाइए कि स्पाई ऐप आपके फ़ोन के ऊपर है। इसलिए कि जो स्पाई ऐप होता है, अगर आप अपना लोकेशन और वाईफाई दोनों को अगर टर्न ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे, तो उसको कम से कम 6 घंटा लगेगा उसको टर्न ऑन होने में, 6 घंटा लगेगा, लेकिन उसके बाद ही वो ऑटोमेटिक टर्न ऑन कर पाएगा। इसलिए कि स्पाई ऐप में जो सेटिंग होती है वो भी डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम उसको 6 घंटा फिर से लगेगा उसको ऑटोमेटिक टर्न ऑन करने में। तो अगर फिर से आपका फ़ोन टर्न ऑन हो जाता है ऑटोमेटिकली, वाईफाई और आपका लोकेशन टर्न ऑन हो जाता है, तो फिर आप एकदम 110% समझ लीजिए कि आपके फ़ोन के ऊपर स्पाई ऐप इंस्टॉल हो चुका है। इसलिए अब आपको अपने फ़ोन का जो बचने का तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करेंगे, उसके बाद ही वो स्पाई ऐप पूरी तरह से आपके फ़ोन से ख़त्म होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि फैक्ट्री रीसेट करने से पहले दोस्तों आपको अपने फ़ोन का बैकअप लेना पड़ता है। अगर बैकअप नहीं लेंगे तो आपका जो भी आपके फ़ोन के अंदर डेटा होगा वो सारा डेटा आपका डिलीट हो जाएगा, इसलिए कि वो हार्ड रीसेट होता है, फैक्ट्री रीसेट होता है। टोटल का टोटल जो भी एंड्रॉयड फ़ोन पे डेटा होगा वो बिल्कुल इरेज हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको ये तीसरा वाला पॉइंट बता देता हूँ कि आपके फैमिली या फ्रेंड आपके ट्रैक कर सकते हैं, तो वो ट्रैक करेंगे तो कैसे ट्रैक करेंगे। देखिए दोस्तों, आपका फ्रेंड है या फैमिली मेम्बर है, कोई भी है आपके, अगर थोड़े देर के लिए आपसे आपका फ़ोन लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और 1 मिनट के अंदर वो सेटिंग कर देगा और आपको पूरी तरह से वो ट्रैक करते रहेगा, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तो उसको कैसे आपको चेक करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना जो भी आपका फ़ोन होगा दोस्तों, उस फ़ोन के आपको गूगल मैप के अंदर जाना है और ये रियल टाइम का लोकेशन ट्रैक करेगा आपका। जो भी आपका फ्रेंड होगा, दोस्त होगा या आपके फैमिली का कोई मेम्बर आपको ट्रैक करेगा, तो वो रियल टाइम का लोकेशन गूगल मैप से ट्रैक करेगा। तो उसको कैसे आपको देखना है, तो आपको अपने फ़ोन के गूगल मैप में जाना है। ये गूगल मैप आपको यहाँ पे खुलेगा और यहाँ पे वो कैसे करेगा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उसको
यहाँ पे अपने अकाउंट आपका जो फोन लेगा आपके हाथ से, तो वो जस्ट यहाँ पे जो भी आइकन थ्री डॉट की लाइन बनती है, मेरा आइकन बना हुआ है इसलिए कि मैं लॉगिंग हूँ, तो यहाँ पे वो जस्ट यहाँ पे क्लिक करेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए लोकेशन शेयरिंग का ऑप्शन है, तो इसके ऊपर वो क्लिक कर देगा। और आपसे देखिए यहाँ पे जैसे कि मेरे फ़ोन के ऊपर दिखा रहा, मैं एक से लोकेशन शेयर कर रहा हूँ, तो इसी तरह से यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपका फ़ोन कितने लोगों से शेयर कर रहा है लोकेशन, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। बाय द वे वो नया अगर वो अपना ऐड करना चाहेगा तो क्या करेगा, यहाँ पे न्यू ऐड शेयर के ऊपर यहाँ पे जस्ट क्लिक कर देगा, और क्लिक करने के बाद जैसे कि देखिए यहाँ पे बहुत सारे वो आपके कॉन्टैक्ट, जाहिर सी बात है आपके फ्रेंड है फैमिली है तो कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके होगा ही, आपके जानने वाला कोई है तो, अगर नहीं भी होगा तो उसको नया ऐड कर लेगा तुरंत, तो यहाँ पे ऐड करेगा और ऐड करने के बाद से यहाँ पे शो करने लगेगा, और यहाँ पे जस्ट वो अपने आप को ऐड कर लेंगे, और जैसे ही वो ऐड करेंगे यहाँ से एक मैसेज एक लिंक जनरेट होगा और लिंक चला जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो ऊपर दिया फॉर 1 आवर या इन्फिनिटी, यहाँ पे सेट कर सकते हैं आप कि यहाँ अनटिल यू टर्न ऑफ दिस फोन, ये इस तरह से लिमिट भी होता है, अगर 1 घंटे के लिए ट्रैक करना चाहते हैं तो 1 घंटे के लिए, नहीं तो जब तक ये फ़ोन बंद ना हो तब तक ट्रैक करना है, तो ये हमेशा के लिए ट्रैक रहेगा। यहाँ से आप टाइमिंग को आगे पीछे भी कर सकते हैं, ये मैसेज भेजने के कितने तरीके हैं, मैसेज भेज सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है, अपने जीमेल आईडी पे फॉरवर्ड कर सकता है, तो यहाँ से एक लिंक जनरेट होगा और वो लिंक चला जाएगा उसके फ़ोन के ऊपर, आपका फ़ोन है ये, और यहाँ से लिंक जनरेट करके उसके फ़ोन के ऊपर चला जाएगा, और उस लिंक को वो बस ऐड का वहाँ पे परमिशन दे करके अपने ही हाथ से परमिशन देगा, और फिर इधर आपको एक्सेप्ट करा लेगा, और एक्सेप्ट कराने के बाद से फिर वो आपके ऐड लिस्ट में आ जाएगा, और उससे क्या होगा कि वो आपके लोकेशन को आराम से देखते रहेगा। तो इसको आपको कैसे चेक करना है कि आपको फ़ोन ट्रैक कर रहा है, तो आपको यहाँ पे भी बहुत आसानी से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो आपके फ़ोन के अंदर जो सेटिंग दिया गया है यहाँ पे, तो ये सेटिंग के अंदर अभी आइए और यहाँ पे जो लोकेशन है तो लोकेशन के ऊपर चले जाइए, गूगल लोकेशन शेयरिंग, इसी के अंदर आपको यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखा देगा कि कितने लोगों से आपका लोकेशन शेयर हो रहा है, तो जस्ट उसी पेज के ऊपर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि 1 आदमी से मैं लोकेशन शेयर कर रहा हूँ अपना, तो यहाँ पे 1 दिखा रहा है। अगर आपके फ़ोन का लोकेशन 2-4 लोग देख रहे हैं, है ना, तो समझ लीजिए यहाँ पे 2-4 का नाम आ जाएगा कि कौन कौन आपके लोकेशन को देख रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा इस वीडियो का इन्फॉर्मेशन, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत कर लीजिए, इसलिए कि हम अपने चैनल के ऊपर इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा डालते रहते हैं जिससे कि आपको फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।